साथियों, ये दशक न्यू इंडिया के रूप में तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि जब 2020 है तो कोई एक साल नहीं नया आया, एक पूरा नया दशक हमारे सामने आया है। और आने वाले वर्षों में भारत की ताकत क्या होगी, विश्व में हमारा स्थान कहाँ होगा, ये डेकेड ये भी तय करने वाला है। ये वो दशक है जो पूरी तरह से युवा सपनों का है, हमारे युवा इनोवेटर्स का है। विशेष तौर पर वो इनोवेटर्स जो 21वीं सदी में या तो पैदा हुए हैं या फिर 21वीं सदी में युवा हुए हैं। जब मैंने आपसे आग्रह किया था कि डीआरडीओ को रीथिंक और खुद को रिशेप करना चाहिए, 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए, तो इसके पीछे मेरी यही एक सोच थी। इसका मतलब ये नहीं कि जो 36 का हो गया वो बेकार हो गया। इसके पीछे मेरी भूमिका यही है कि जो 60 साल, 50 साल, 55 साल इतनी तपस्या करके वहां पहुंचे हैं, अगर उनके कंधे पर वो एक 35 से कम आयु वाले को बिठा देते हैं तो दुनिया को एक नए भारत के दर्शन होते हैं। ये जो पुराने लोग हैं उनकी मजबूती के बिना नए का ऊपर जाना संभव नहीं है, और इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन बहुत आवश्यक है। और इस विचार के पीछे मेरा अपना भी एक अनुभव है। मैं राजनीतिक जीवन में बहुत देर से आया हूं और शुरू में मैं मेरी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का काम देखता था, इलेक्शन को मोमेंटम देने के काम, इन चीजों को करता था। तो मैं जब गुजरात में मैंने शुरुआत की और मेरे सामने पहला एक बड़ा चुनाव की जिम्मेवारी आई, मैं बिल्कुल नया था, और उस समय अखबारों ने एक चीज को बड़ा विस्तार से लिखा था, क्योंकि उस समय करीब 90 लोग मेरी ऑफिस मैनेजमेंट में काम में थे। पूरा चुनाव तो राज्य भर में लड़ा जाता था लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट में करीब 90 लोग थे और वॉलेंटियर के रूप में आए थे, 2-3 महीने के लिए वो काम करने वाले थे चुनाव के लिए। लेकिन अखबार वालों ने ढूंढ के निकाला था कि ये जो 90 लोग हैं इस पूरी टीम की एवरेज उम्र 23 है, यानी 23 की एवरेज इस ग्रुप से मैं चुनाव लड़ा था और लड़वाया था और हम पहली बार विजयी हुए थे। युवा में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत होती है। आप कितने ही अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी हो, कितने ही बढ़िया, लेकिन और जीवन में 20 साल तक मानो कबड्डी खेले हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन 60-70 साल की आयु के बाद कहीं कबड्डी का खेल चल रहा है और आप वहाँ सिर्फ देखने के लिए गए क्योंकि जिंदगी पूरी कबड्डी खेले हैं, और कोई 18-20 साल का नौजवान जिस तेजी से मूवमेंट करता है, उठता है, पटकता है, पड़ा, तो आप बाहर बैठे बैठे मन में अरे अरे गिर जाएगा, अरे अरे कहीं चोट ना लग जाए। आप खुद भी तो कभी ये करके आए हैं लेकिन अब देख नहीं पाते हैं, मन करता है अरे यार कहीं गिर ना जाए। ये साइकोलॉजी काम करती होगी। ये युवा मन और अनुभवी मन के बीच का एक अंतर होता है, और इसलिए एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन विश्व की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए डीआरडीओ में इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो,
कभी कभार एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पौधा पनप नहीं पाता है। दोष बड़े वृक्ष का नहीं है, पौधे कोई भी साइकिल रहती है कि इनके सामने मुझे ऐसे ही रहना चाहिए। किसी का दोष नहीं है, लेकिन अगर उसी पौधे को कहीं खुले में छोड़ दिया जाए तो देखते ही देखते वटवृक्ष भी गौरव करेगा, वाह ये भी मेरे साथ पनप रहा है। इसी एक भूमिका को लेकर के इन 5 लैब से शुरू किया है, और मैं चाहता हूं कि वो गलतियां करें। ये 5 लैब सबसे ज्यादा गलतियां करें। ये 5 लैब पूरा बजट उड़ा देते तो उड़ा दें एक बार। एक साइंटिस्ट पूरी अपनी जिंदगी तबाह कर देता है जी, तब देश को कुछ मिलता है। तो फिर खजाना क्या चीज होती है? आप तो अपनी जिंदगी लगा रहे हो, तो सरकार को खजाना लगाने में क्या जाता है? और मुझे संतोष है कि एडवांस टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में 5 लैब स्थापित करने के सुझाव पर गंभीरता से काम हुआ, और आज बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में 5 ऐसे संस्थान शुरू हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि यंग साइंटिस्ट लैब्स युवा वैज्ञानिकों के विचार और व्यवहार को नई उड़ान देगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब ये पहचाना जाएगा DRDO Y, लेकिन बोलते समय लगेगा DRDO Y। और मैं समझता हूं ये 5 लैब DRDO Y को जवाब देने की ताकत रखते हैं, ये मेरा विश्वास है। और हमें सबने मिलकर के इसे बल देना है। इन लैब से मिलने वाले रिजल्ट्स एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रयास का स्कोप और इंटेंसिटी को तय करेंगे। ये लैब्स देश में उभरती हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के स्वरूप को तैयार करने में मदद करेगी। और हां, अपने युवा वैज्ञानिक और मैं इन साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि लैब्स सिर्फ टेक्नोलॉजी को टेस्ट नहीं करेगी, वरना कभी कभी तो लगता है भी टेक्नोलॉजी में 2 कदम गए 5 कदम गए। मेरे हिसाब से ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को टेस्ट नहीं करेगी, ये मेरे यंग साइंटिस्ट के टेम्परामेंट को और पेशेंस को भी टेस्ट करने के लिए है, और यही सबसे बड़ा उसका पैरामीटर है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपके प्रयास और निरंतर अभ्यास से ही भारत सफलता के रास्ते पर आगे ले जाएगा। सिर्फ पॉजिटिविटी और पर्पज, यही आपकी प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 130 करोड़ की आबादी का जीवन सुरक्षित और आसान बनाने का जिम्मा आपके कंधे पर है।